अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल ड्रामा से एक सलाम और की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन ट्विस्ट से भरपूर है। आज की वीडियो में आपको ड्रामा से एक सलाम और की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से एक सितम और के नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि सुफियान जो कुछ शेरोज के साथ कर रहा था वो सब कुछ उसके साथ ही हो गया है, क्योंकि अगर वो किसी का बुरा चाहेगा उसके साथ भी वही होगा। सुफियान ने शेरोज को जेल में बंद करवाने की कोशिश की थी उस पर झूठे इल्ज़ाम लगा के, लेकिन वो सब कुछ सुफियान के साथ हो गया है। सुफियान अब जेल की सलाखों में है, यानी पुलिस वाले सुफियान को बंद कर देते हैं लॉकअप में, जिसके बाद सुफियान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। सुफियान के घर वाले बहुत परेशान हैं, जबकि दूसरा नाज़रीन आप देखेंगे कि उष्णा शेरोज के लिए बहुत फिक्रमंद होती है। शेरोज जब घर वापस आता है तो उष्णा बहुत खुश होती है, शेरोज से कहती है कि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही थी, आपको मैं बिल्कुल भी जेल में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती, आप लोग को मैं थे, मैं इतनी परेशानी में थी, इतनी डिस्टर्ब थी, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि आप बाहर आ गए, मेरे साथ हैं, मैं आपके बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती। उष्णा की ये सारी बातें सुन के शेरोज के दिल में और ज़्यादा जगह बन गई है उष्णा की, जिसके बाद शेरोज उष्णा का हाथ पकड़ते और उससे कहते हैं कि जिसकी इतने प्यार करने वाली बीवी हो भला उसे कुछ हो सकता है। यानी शेरोज और उष्णा एक दूसरे के साथ बहुत मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं, लेकिन इन दोनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर रहा है सुफियान। सुफियान के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला। नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे सुफियान के घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि सुफियान के बाहर निकलने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही, जिसके बाद सुफियान के घर वाले ही बात करते हैं कि सुफियान किस तरह से निकलेगा, उसने ये सब कुछ अपने लिए हालात खुद पैदा किए हैं। सुफियान का कज़न यही बात करता है कि सुफियान अपना दुश्मन खुद है, ये सारे हालात सारे मामला के जिम्मेदार सुफियान खुद है, क्यों उष्णा के पीछे पड़ा, उसकी ज़िंदगी को क्यों ख़राब करवाओ बर्बाद कर रहा है। जबकि दूसरा नाज़रीन आप देखेंगे नईमा बेगम अपना फैसला सुना देती हैं कि अब वो ज़ैनब और उष्णा को इस घर में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, उष्णा और ज़ैनब को इस घर से जाना होगा और ये उनका आखिरी फैसला है। नईमा बेगम की ये सारी बातें सुन के सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, यानी शेरोज तो उष्णा के बगैर रह ही नहीं सकता, और जबकि दूसरी तरफ शेरोज के वालिद भी ये सारी बातें सुन के नईमा बेगम की बहुत परेशान हो जाते हैं। तो नाज़रीन आपको ड्रामा से एक सलाम और की नेक्स्ट एपिसोड कैसी लग रही है? ड्रामा से एक सलाम और नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड पे आ चुका है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल ड्रामा से एक सितम और की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन ट्विस्ट से भरपूर है। आज की वीडियो में आपको ड्रामा से एक सितम और की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से एक सितम और की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि सुफियान जो कुछ शेरोज के साथ कर रहा था वो सब कुछ उसके साथ ही हो गया है, क्योंकि अगर वो किसी का बुरा चाहेगा उसके साथ भी वही होगा। सुफियान ने शेरोज को जेल में बंद करवाने की कोशिश की थी उस पर झूठे इल्ज़ाम लगा के, लेकिन वो सब कुछ सुफियान के साथ हो गया है। सुफियान अब जेल की सलाखों में है, यानी पुलिस वाले सुफियान को बंद कर देते हैं लॉकअप में, जिसके बाद सुफियान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। सुफियान के घर वाले बहुत परेशान हैं, जबकि दूसरा नाज़रीन आप देखेंगे कि उष्णा शेरोज के लिए बहुत फिक्रमंद होती है। शेरोज जब घर वापस आता है तो उष्णा बहुत खुश होती है, शेरोज से कहती है कि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही थी, आपको मैं बिल्कुल भी जेल में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती, आप लोग को मैं थे, मैं इतनी परेशानी में थी, इतनी डिस्टर्ब थी, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि आप बाहर आ गए, मेरे साथ हैं, मैं आपके बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती। उष्णा की ये सारी बातें सुन के शेरोज के दिल में और ज़्यादा जगह बन गई है उष्णा की, जिसके बाद शेरोज उष्णा का हाथ पकड़ते और उससे कहते हैं कि जिसकी इतने प्यार करने वाली बीवी हो भला उसे कुछ हो सकता है। यानी शेरोज और उष्णा एक दूसरे के साथ बहुत मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं, लेकिन इन दोनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर रहा है सुफियान। सुफियान के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला। नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे सुफियान के घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि सुफियान के बाहर निकलने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही, जिसके बाद सुफियान के घर वाले ही बात करते हैं कि सुफियान किस तरह से निकलेगा, उसने ये सब कुछ अपने लिए हालात खुद पैदा किए हैं। सुफियान का कज़न यही बात करता है कि सुफियान अपना दुश्मन खुद है, ये सारे हालात सारे मामला के जिम्मेदार सुफियान खुद है,
क्यों मोशना के पीछे पड़ा, उसकी जिंदगी क्यों खराब कर बर्बाद कर रहा है। जबकि दूसरे नाजरीन आप देखेंगे नईमा बेगम अपना फैसला सुना देती हैं कि अब वो जैनब और उष्णा को इस घर में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, उष्णा और जैनब को इस घर से जाना होगा और ये उनका आखिरी फैसला है। नईमा बेगम की ये सारी बातें सुन के सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, यानी शेरोज तो उष्णा के बगैर रह ही नहीं सकता। और जबकि दूसरी तरफ शेरोज के वालिद भी ये सारी बातें सुन के नईमा बेगम की बहुत परेशान हो जाते हैं। तो नासिन आपको ड्रामा सिक्स लमोर की नेक्स्ट एपिसोड कैसी लग रही है? ड्रामा सिक्स लमोर नासिन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग मोड पे आ चुका है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे सी व्यूअर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से एक सलाम और की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन ट्विस्ट से भरपूर है। आज की वीडियो में आपको ड्रामा से एक सलाम और की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से एक सितम और की नेक्स्ट एपिसोड में नाजरीन आप देखेंगे कि जैसे कि सुफियान जो कुछ शेरोज के साथ कर रहा था वो सब कुछ उसके साथ ही हो गया है, क्योंकि अगर वो किसी का बुरा चाहेगा उसके साथ भी वही होगा। सुफियान ने शेरोज को जेल में बंद करवाने की कोशिश की थी उस पर झूठे इल्जाम लगा के, लेकिन वो सब कुछ सुफियान के साथ हो गया है। सुफियान अब जेल की सलाखों में है, यानी पुलिस वाले सुफियान को बंद कर देते हैं लॉकअप में, जिसके बाद सुफियान बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। सुफियान के घर वाले बहुत परेशान है, जबकि दूसरे नाजरीन आप देखेंगे कि उष्णा शेरोज के लिए बहुत फिक्रमंद होती है। शेरोज जब घर वापस आता है तो उष्णा बहुत खुश होती है, शेरोज से कहती है कि आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही थी, आपको मैं बिल्कुल भी जेल में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती, आप लोगों में थे, मैं इतनी परेशानी में थी, इतनी डिस्टर्ब थी, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि आप बाहर आ गए, मेरे साथ हैं, मैं आपके बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती। उष्णा की ये सारी बातें सुन के शेरोज के दिल में और ज्यादा जगह बन गई है उष्णा की, जिसके बाद शेरोज उष्णा का हाथ पकड़ते और उससे कहते हैं कि जिसकी इतने प्यार करने वाली बीवी हो भला उसे कुछ हो सकता है। यानी शेरोज और उष्णा एक दूसरे के साथ बहुत मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश हैं, लेकिन इन दोनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर रहा है सुफियान। सुफियान के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला। नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे सुफियान के घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि सुफियान के बाहर निकलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही, जिसके बाद सुफियान के घर वाले ही बात करते हैं कि सुफियान किस तरह से निकलेगा, उसने ये सब कुछ अपने लिए हालात खुद पैदा किए हैं। सुफियान का कजन यही बात करता है कि सुफियान अपना दुश्मन खुद है, ये सारे हालात सारे मामला के जिम्मेदार सुफियान खुद है, क्यों उष्णा के पीछे पड़ा, उसकी जिंदगी क्यों खराब कर बर्बाद कर रहा है। जबकि दूसरे नाजरीन आप देखेंगे नईमा बेगम अपना फैसला सुना देती है कि अब वो जैनब और उष्णा को इस घर में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, उष्णा और जैनब को इस घर से जाना होगा और ये उनका आखिरी फैसला है। नईमा बेगम की ये सारी बातें सुन के सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, यानी शेरोज तो उष्णा के बगैर रह ही नहीं सकता। और जबकि दूसरी तरफ शेरोज के वालिद भी ये सारी बातें सुन के नईमा बेगम की बहुत परेशान हो जाते हैं। तो नासिन आपको ड्रामा सिक्स लमोर की नेक्स्ट एपिसोड कैसी लग रही है? ड्रामा सिक्स लमोर नासिन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग मोड पे आ चुका है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे सी व्यूअर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से एक सितम और की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन ट्विस्ट से भरपूर है। आज की वीडियो में आपको ड्रामा से एक सितम और की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से एक सितम और की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि सुफियान जो कुछ शेरोज के साथ कर रहा था वो सब कुछ उसके साथ ही हो गया है, क्योंकि अगर वो किसी का बुरा चाहेगा उसके साथ भी वही होगा। सुफियान ने शेरोज को जेल में बंद करवाने की कोशिश की थी उस पर झूठे इल्जाम लगा के, लेकिन वो सब कुछ सुफियान के साथ हो गया है। सुफियान अब जेल की सलाखों में है, यानी पुलिस वाले सुफियान को बंद कर देते हैं लॉकअप में, जिसके बाद सुफियान बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। सुफियान के घर वाले बहुत परेशान है, जबकि दूसरे नाजरीन आप देखेंगे कि उष्णा शेरोज के लिए बहुत फिक्रमंद होती है। शेरोज जब घर वापस आता है तो उष्णा बहुत खुश होती है, शेरोज से कहती है कि आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही थी, आपको मैं बिल्कुल भी जेल में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती, आप लोगों में थे, मैं इतनी परेशानी में थी, इतनी डिस्टर्ब थी, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि आप बाहर आ गए, मेरे साथ हैं, मैं आपके बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती।
उष्णा की ये सारी बातें सुनके शहरोज के दिल में और ज्यादा जगह बन गई है उष्णा की, जिसके बाद शहरोज उष्णा का हाथ पकड़ते और उससे कहते हैं कि जिसकी इतने प्यार करने वाली बीवी हो भला उसे कुछ हो सकता है। यानी शहरोज और उष्णा एक दूसरे के साथ बहुत मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश हैं, लेकिन इन दोनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर रहा है सुफियान। सुफियान के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला। नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे सुफियान के घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि सुफियान के बाहर निकलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही, जिसके बाद सुफियान के घर वाले ही बात करते हैं कि सुफियान किस तरह से निकलेगा, उसने ये सब कुछ अपने लिए हालात खुद पैदा किए हैं। सुफियान का कजन यही बात करता है कि सुफियान अपना दुश्मन खुद है, ये सारे हालात सारे मामला के जिम्मेदार सुफियान खुद है, क्यों उष्णा के पीछे पड़ा, उसकी जिंदगी को क्यों खराब करवाओ बर्बाद कर रहा है। जबकि दूसरे नाज़रीन आप देखेंगे नईमा बेगम अपना फैसला सुना देती हैं कि अब वो ज़ैनब और उष्णा को इस घर में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, उष्णा और ज़ैनब को इस घर से जाना होगा और ये उनका आखिरी फैसला है। नईमा बेगम की ये सारी बातें सुन के सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, यानी शहरोज तो उष्णा के बगैर रह ही नहीं सकता, और जबकि दूसरी तरफ शहरोज के वालिद भी ये सारी बातें सुन के नईमा बेगम की बहुत परेशान हो जाते हैं। तो नाज़रीन आपको ड्रामा सिक्स लम्हों की नेक्स्ट एपिसोड कैसी लग रही है? ड्रामा सिक्स लम्हों नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड पे आ चुका है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे सी व्यूअर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से एक सलाम और की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन ट्विस्ट से भरपूर है। आज की वीडियो में आपको ड्रामा से एक सलाम और की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से एक सितम और के नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि सुफियान जो कुछ शहरोज के साथ कर रहा था वो सब कुछ उसके साथ ही हो गया है, क्योंकि अगर वो किसी का बुरा चाहेगा उसके साथ भी वही होगा। सुफियान ने शहरोज को जेल में बंद करवाने की कोशिश की थी उस पर झूठे इल्ज़ाम लगा के, लेकिन वो सब कुछ सुफियान के साथ हो गया है। सुफियान अब जेल की सलाखों में है, यानी पुलिस वाले सुफियान को बंद कर देते हैं लॉकअप में, जिसके बाद सुफियान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। सुफियान के घर वाले बहुत परेशान हैं, जबकि दूसरे नाज़रीन आप देखेंगे कि उष्णा शहरोज के लिए बहुत फिक्रमंद होती है। शहरोज जब घर वापस आता है तो उष्णा बहुत खुश होती है, शहरोज से कहती है कि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही थी, आपको मैं बिल्कुल भी जेल में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती, आप लोगों में थे मैं इतनी परेशानी में थी, इतनी डिस्टर्ब थी, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि आप बाहर आ गए, मेरे साथ हैं, मैं आपके बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती। उष्णा की ये सारी बातें सुन के शहरोज के दिल में और ज़्यादा जगह बन गई है उष्णा की, जिसके बाद शहरोज उष्णा का हाथ पकड़ते और उससे कहते हैं कि जिसकी इतने प्यार करने वाली बीवी हो भला उसे कुछ हो सकता है। यानी शहरोज और उष्णा एक दूसरे के साथ बहुत मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं, लेकिन इन दोनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर रहा है सुफियान। सुफियान के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला। नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे सुफियान के घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि सुफियान के बाहर निकलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही, जिसके बाद सुफियान के घर वाले ही बात करते हैं कि सुफियान किस तरह से निकलेगा, उसने ये सब कुछ अपने लिए हालात खुद पैदा किए हैं। सुफियान का कजन यही बात करता है कि सुफियान अपना दुश्मन खुद है, ये सारे हालात सारे मामला के जिम्मेदार सुफियान खुद है, क्यों उष्णा के पीछे पड़ा, उसकी जिंदगी को क्यों खराब करवाओ बर्बाद कर रहा है। जबकि दूसरे नाज़रीन आप देखेंगे नईमा बेगम अपना फैसला सुना देती हैं कि अब वो ज़ैनब और उष्णा को इस घर में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, उष्णा और ज़ैनब को इस घर से जाना होगा और ये उनका आखिरी फैसला है। नईमा बेगम की ये सारी बातें सुन के सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, यानी शहरोज तो उष्णा के बगैर रह ही नहीं सकता, और जबकि दूसरी तरफ शहरोज के वालिद भी ये सारी बातें सुन के नईमा बेगम की बहुत परेशान हो जाते हैं। तो नाज़रीन आपको ड्रामा सिक्स लम्हों की नेक्स्ट एपिसोड कैसी लग रही है? ड्रामा सिक्स लम्हों नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड पे आ चुका है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।